इस कहानी की शुरुआत डोरी के बचपन से होती है, जिसमें उसके माता पिता उसे सिखा रहे होते हैं कि उसे भूलने की बीमारी है जो उसे याद रखनी है। डोरी उस बात को याद रखने की पूरी कोशिश करती है और उस बात को याद रखती है। एक दिन डोरी अपने माता पिता से दूर हो जाती है और समुद्र में खो जाती है। वो उन्हें ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करती है पर उन्हें ढूंढ नहीं पाती और ऐसे ढूंढते ढूंढते वह बड़ी हो जाती है। अपनी फैमिली को ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन मर्लिन मिलता है, जो अपने बेटे नीमो को ढूंढ रहा था। जहाँ डोरी और मर्लिन पहली बार मिले थे, उसके एक साल बाद डोरी और मर्लिन नीमो को उसके स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, जहाँ डोरी भी उनके साथ चली जाती है। वहाँ एक बड़ी सी मछली छोटी मछलियों को घर वापसी का मतलब बता रही होती है। तभी डोरी को भी उसके घर की कुछ यादें याद आने लगती है। वहाँ से एक बहुत बड़ा मछलियों का झुंड निकलता है। झुंड में डोरी खो जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब उसे अपने घर का पता नवरत्न बीच कैलिफोर्निया याद आ जाता है, जहाँ पर डोरी बचपन में रहती थी, जहाँ पर उसके माता पिता रहते थे। घर का पता याद आने के बाद डोरी उनको ढूंढने के लिए मर्लिन और नीमो से कहती है। मर्लिन उसे समझाने की कोशिश करता कि कैलिफोर्निया बहुत दूर है, हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते, हम दोबारा खो जाएंगे। लेकिन डोरी नहीं समझती और मर्लिन से कहती है कि मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है और मुझे उनके पास जाना है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं उन्हें अकेले नहीं ढूंढ सकती। ये बात सुनकर नीमो भी मर्लिन को डोरी की फैमिली ढूंढने को कहता है और मर्लिन मान जाता है। उसके बाद वो तीनों डोरी के फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक कछुए के झुंड के साथ निकलते हैं जो नवरत्न बीच कैलिफोर्निया जा रहा था। उसके बाद वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जो डोरी को याद थी। डोरी उस जगह को देखकर बहुत खुश होती है और जोर जोर से मम्मी पापा चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पड़े कुछ केकड़े उसको शांत रहने के लिए कहते हैं, पर डोरी चिल्लाती रहती है। और फिर अचानक से एक बड़ा सा ऑक्टोपस निकल कर आता है और उन तीनों पर हमला कर देता है। वो लोग भागने लगते हैं और ऑक्टोपस नीमो को पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन डोरी उन्हें बचा लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। और भागते भागते अचानक से उसे अपने मम्मी पापा का नाम याद आता है, जिनका नाम जेनी और चार्ली होता है। नीमो को चोट लग जाती है, इस कारण मर्लिन गुस्सा हो जाता है और गुस्से में डोरी को डांट लगाता है। डोरी उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और नीमो के लिए दूसरी मछलियों से मदद मांगती है। तभी वो ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ उसे मछलियों के अस्पताल वाले लोग पकड़ लेते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। डोरी को अस्पताल वाले एक छोटे से टैंक में डालकर बाकी मछलियों के साथ रख देते हैं। डोरी को अस्पताल वाले एक टैंक लगा देते हैं। डोरी को वहाँ पर एक हैंक नाम का ऑक्टोपस मिलता है, जो उसे अस्पताल की कुछ जानकारी देता है और उसके टैंक के बारे में भी बताता है। वो उसे कहता है कि जो टैंक तुम्हारे ऊपर लगा है उसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा के लिए एक्वेरियम में भेज दिया जाएगा। हैंक उससे कहता है कि अगर वो टैंक तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी फैमिली ढूंढने में। डोरी उसे बताती है कि उसे भूलने की बीमारी है। ये सब सुनने के बाद हैंक उसे एक जार में डालकर वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी ओर नीमो और मर्लिन डोरी को ढूंढ रहे होते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते समुद्री सील के पास पहुँचते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वो उसे डोरी के गायब होने की सारी बात बताते हैं। सील पूरी बात सुनने के बाद उनसे कहते हैं कि वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए होंगे, वो अस्पताल वहाँ ऊपर है। मर्लिन उनसे पूछता है कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, क्या तुम हमारी मदद करोगे। वो सील कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें बता देंगे। हैंक और डोरी वहाँ से निकलने लगते हैं और हैंक डोरी को एक मैप दिखाता है। उस मैप में डोरी अपने घर को ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ उसे एक सीपी दिखाई देती है, जिसे देखकर डोरी को अपने बचपन में सीपियों को इकट्ठा करने की याद आती है, जिसमें उसके माता पिता ने कहा था कि सीपियों का पीछा करने से तुम अपने घर तक पहुँच जाओगी। और फिर वो हैंक को उस सीपी के पीछे जाने को बोलती है। हैंक डोरी को लेकर एक स्टोर रूम में छिप जाता है, जहाँ से एक इंसान कुछ मरी हुई मछलियाँ लेकर जा रहा होता है। तभी डोरी भी उस पानी में कूद जाती है। वो इंसान डोरी को तालाब में फेंक देती है, जहाँ उसे उसके बचपन की दोस्त डेस्टिनी मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती है। डेस्टिनी को थोड़ा कम दिखता है। डोरी डेस्टिनी को अपनी सारी बात बताती है और डेस्टिनी उसे अपने दोस्त से मिलवाती है, जिसका नाम बेली है, जो दूर की आवाजें सुनकर रास्ता बता सकता है। डोरी कहती है कि मुझे अपने मम्मी पापा का नाम याद आ गया, मुझे उनसे मिलना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। उसके बाद हैंक वहाँ पर आ जाता है और वो डोरी से कहता है कि अब मुझे वो टैग दे दो, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। तभी डोरी हैंक से कहती है कि मुझे पता चल गया कि मेरे मम्मी पापा खुले समुद्र में हैं। तभी डेस्टिनी डोरी से कहती है कि वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वहाँ हम पाइप से ही जा सकते हैं। डोरी कहती है कि वो वहाँ अकेली नहीं जा सकती, इसीलिए वो हैंक को वहाँ साथ चलने को कहती है। लेकिन हैंक
मना कर देता है क्योंकि वो बहुत मोटा होता है और वो कहता है कि उस पतले से पाइप में नहीं जा पाएगा, इसीलिए तुम्हें अकेले जाना होगा। डोरी ये बात सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि वो अकेले नहीं जा पाएगी। तभी उसे बचपन की एक बात याद आ जाती है जिसमें उसके पिता ने उसे कहा था, जहाँ चाह वहाँ रहा, और उन्हें खुले समुद्र में ढूंढने निकल जाती है। तभी डेस्टिनी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि खुला समुद्र वहाँ है। वहीं दूसरी ओर मर्लिन और नीमो उन सील से मदद मांग रहे होते हैं। तभी वो सील एक पक्षियों के झुंड को वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि यह पक्षी जिसका नाम बेकी होता है वो आपको आपके दोस्त तक ले जाएगा। बेकी उन्हें एक बाल्टी में डालकर अस्पताल की ओर उड़ जाता है। हैंक और डोरी एक बच्चे को घुमाने वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं और छिपकर खुले समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हैंक डोरी से कहता है कि खुले आसमान का बोर्ड पढ़ते हुए जाना। तभी रास्ते में वो लोग एक बच्चे से टकरा जाते हैं और बच्चे के हाथ से पॉपकॉर्न नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर से मर्लिन आ रहा होता है। बेकी उन पॉपकॉर्न को नीचे देखकर मर्लिन और नीमो को एक पेड़ पर लटकाकर पॉपकॉर्न खाने लगता है। मर्लिन उस पेड़ से उतरने की कोशिश करता है जिसके कारण वो हवा में उछल जाता है और मर्लिन और नीमो दूर एक एक्वेरियम में जाकर गिर जाते हैं। हैंक और डोरी समुद्र को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डोरी खुले समुद्र के साइन बोर्ड को पढ़ने की जगह दुनिया का नंबर वन चश्मा साइन बोर्ड पढ़कर उसकी तरफ बढ़ जाती है और गलत रास्ते चली जाती है। यहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। डोरी को उसके बचपन की कुछ याद आती है कि उसके माता पिता ने उसे कहा था कि बस तैरते रहना है, और उसके बाद वो दोनों तैरते रहते हैं और किसी तरह से बच्चों से बच जाते हैं और उसी रास्ते वो लोग खुले समुद्र तक पहुँच जाते हैं। मर्लिन बेकी को वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो वापस नहीं आता, और थोड़ी देर बाद मर्लिन और नीमो किसी तरह वहाँ से निकलकर एक तालाब में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हैंक और डोरी खुले समुद्र तक पहुँच जाते हैं। हैंक डोरी को खुले समुद्र वाले एक्वेरियम में डाल देता है और डोरी उसे अपना टैग दे देती है। उसके बाद डोरी हर मछली से अपने मम्मी पापा के बारे में पूछने लगती है लेकिन कोई भी उन्हें नहीं जानता। तभी उसे वहाँ पर एक सीपी दिखाई देती है जिससे उसे लगता है कि उसका पीछा करने से वो घर तक पहुँच जाएगी। वो सीपी का पीछा करने लगती है और एक जगह पहुँच जाती है और वहाँ जाकर मम्मी पापा को आवाज लगाने लगती है पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर उसे दो केकड़े मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा को अस्पताल ले गए एक्वेरियम में ले जाने के लिए। वो केकड़े उसे कहते हैं कि अस्पताल जाने का आसान तरीका है उस पाइप से होकर जाना। डोरी पहले घबरा जाती है और फिर उनसे वहाँ जाने का रास्ता पूछती है और पाइप में चली जाती है। डोरी अंदर जाकर वहाँ का रास्ता भूल जाती है। फिर वहाँ से डेस्टिनी को आवाज लगाती है और डेस्टिनी उसकी आवाज सुन लेती है। डेस्टिनी बेली को डोरी को अस्पताल का पता बताने को कहती है। बेली डोरी को अस्पताल का रास्ता बताने लगता है। डोरी को रास्ते में मर्लिन और नीमो मिलते हैं और रास्ते में डोरी मर्लिन और नीमो को बताती है कि उसके मम्मी पापा कहाँ है। वो लोग पाइप के रास्ते होते हुए एक पानी के जार में गिर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ अलग अलग जार में रखी हुई थी जिन्हें ट्रक में भरकर एक्वेरियम लेकर जा रहा होता है। तभी डोरी को एक जार में उसके जैसी दिखने वाली मछलियाँ दिखाई देती है और वो जार तक जाने की कोशिश करती है। उस जार तक पहुँचने के बीच में वो लोग किसी और जार में गिर जाते हैं जहाँ से उन्हें हैंक निकाल लेता है और उस जार तक पहुँचा देता है जहाँ डोरी अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ की मछलियाँ उसे बताती है कि उनकी तो बहुत पहले ही डेथ हो गई, वो तुम्हें यहाँ ढूंढने आए थे, तुम उन्हें नहीं मिली और अस्पताल वालों ने उन्हें एक्वेरियम भेज दिया। यह सुनकर डोरी बहुत सदमे में आ जाती है। उसके बाद जल्दी जल्दी में हैंक डोरी को बाहर निकाल लेता है लेकिन मर्लिन और नीमो उसी जार में रह जाते हैं। उसके बाद डोरी कैसे भी करके बाहर निकल आती है और मर्लिन और नीमो के बारे में भूल जाती है और बाहर आकर वो उन दोनों के बारे में पूछने लगती है लेकिन उसको ये याद नहीं होता कि वो किसके बारे में पूछ रही है। वो रोने लगती है और इधर उधर घूमने लगती है और ढूंढते ढूंढते उसे वहाँ सीपीओ की लाइन दिखती है और वो सीपीओ की लाइन के पीछे जाने लगती है। जैसे वो आखिर में पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ दो मछलियाँ हैं और वो दो मछलियाँ और कोई नहीं बल्कि उसके माता पिता होते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, उनको अपने बारे में बताती है और बताते बताते ही उसे मर्लिन और नीमो के बारे में याद आ जाता है और वो मर्लिन और नीमो के बारे में अपने मम्मी पापा को बताती है और कहती है कि मुझे उन्हें बचाने जाना है। वो उन्हें मर्लिन और नीमो के बारे में सारी बात बताती है। उसके बाद वो डेस्टिनी और बेली को बुलाती है। यहाँ डेस्टिनी और बेली दोनों कूदकर समुद्र में आ जाते हैं। डोरी डेस्टिनी को अपनी सारी बात बताती है और कहती है कि हमें उस ट्रक को रोकना है जिस ट्रक में नीमो और हैंक के
एक्वेरियम जा रहे थे और बेली अपनी पावर से उनका पीछा करता है और वो लोग ट्रक के पीछे जाने लगते हैं। बेली कहता है कि उन्हें रोकने के लिए हमें ट्रैफिक जाम करना होगा और उन्हें रास्ते में कुछ छोटे और सुंदर जानवर मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके डोरिस ट्रक में पहुंच जाती है। तभी मर्लिन बेकी को आवाज लगाता है। बेकी वहां जाता है, मर्लिन और नीमो को उसी बाल्टी में बिठाकर वापस समुद्र में ले आता है, लेकिन डोरी वही ट्रक में रह जाती है। बेकी वापस डोरी को लेने आता है। हैंक डोरी से कहता है कि अब तुम्हारे जाने का समय हो गया, तो डोरी उसे कहती है कि नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे। हैंक उसे मना करता है लेकिन वो नहीं मानती। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद हैंक उससे कहता है कि अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तभी डोरी को ट्रक के ऊपर इमरजेंसी गेट नजर आता है और उसे बाहर निकल जाते हैं और ड्राइवर की सीट पर पहुंच जाते हैं। गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकल जाता है। हैंक गाड़ी चलाने लगता है, डोरी इंट्रक्शन देने लगती है और वो लोग वापस समुद्र की ओर जाने लगते हैं। सामने से पुलिस वाले उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग ट्रक को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं और वो लोग फिर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।